आपका पहला प्रश्न है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बिल्ली, बी भेड़, सी बकरी, डी कुत्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बकरी। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे ज्यादा वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? आपके ऑप्शन है ए रसिया, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका तीसरा प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। आपका अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? आपके विकल्प है ए 8 वर्ष बाद, बी 10 वर्ष बाद, सी 11 वर्ष बाद, डी 15 वर्ष बाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष बाद। आपका पांचवा प्रश्न है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके विकल्प है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, किस चीज को लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए आंवला, बी नींबू, सी रीठा, डी कंडीशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रीठा। आपका सातवां सवाल है, सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है ए टमाटर, बी मिर्च, सी लौकी, डी गोभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्च को। आपका आठवां प्रश्न है, किस जानवर को गुलाबी पसीना निकलता है? आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी ऊंट, सी भालू, डी दरियाई घोड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम मिलता है? आपके ऑप्शन है ए रसिया, बी चीन, सी जापान, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रसिया में। आपका दसवां सवाल है, किस राज्य में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं? आपके विकल्प है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, सबसे कठिन परीक्षा किस देश में होती है? आपके विकल्प है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन में। आपका अगला प्रश्न है, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है ए मुर्गा, बी शुतुरमुर्ग, सी सारस, डी कीवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कीवी। आपका तेरहवां प्रश्न है, भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए जनक, बी दशरथ, सी अज, डी शांतनु।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दशरथ। आपका अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाए जाते हैं? आपके विकल्प है ए चीन, बी जर्मनी, सी कोरिया, डी भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन में। आपका 15वां प्रश्न है, बासी रोटी किस बीमारी को ठीक कर देता है? आपके ऑप्शन है ए सुगर, बी ब्लड प्रेशर, सी कब्ज, डी पथरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कब्ज। आपका अगला सवाल है, सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। इसका सही जवाब है डी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्रनाथ दत्त, बी देवदत्त, सी कृष्ण दत्त, डी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। आपका 18वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपके विकल्प है ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाबर। आपका अगला सवाल है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी एथिलीन, सी क्लोरीन, डी कार्बन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एथिलीन। आपका 20वां सवाल है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।